सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। रीट का रिजल्ट आ चुका है, कुछ बच्चे निराश हुए हैं, कुछ बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। इस संबंध में कुछ बातें आपसे करने आया हूं। सबसे पहले तो जो रीट में सफल विद्यार्थी हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धनतेरस को ये रिजल्ट आया है तो अपने आप में उनकी धनतेरस मन चुकी है। और रही बात जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक टीचर होने के नाते यही कहूँगा, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, हार के बाद ही जीत होती है। और आपके लिए तो बोनस ये भी है कि अभी साथ साथ ही राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि 60,000 वैकेंसी निकलेगी शिक्षा विभाग में, तो निराश होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस मुद्दा यही है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करते हो। अपनी तैयारी में जो भी आपने पिछली बार गलतियां की थी उन गलतियों को ना दोहराएं, यही आपसे उम्मीद करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट अपनी गलतियों से सीखता है, मान के चलना एक दिन कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। हार के बाद जीत होती है, इसी प्रेरणा को अपने साथ में लेकर चलें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। मैंने आरएएस परी से संबंधित आपको कट ऑफ बताई थी। देखिए ये हमारे अनुभव के आधार पर है, इस पर ज्यादा सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे बेमतलब के कमेंट कर रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया ये संभावित है। आपको लगता है इससे ज्यादा जाएगी इससे कम जाएगी तो आप उसको मान लीजिए ना, इतना तंग मत होइए। स्टूडेंट को इतना तंग नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे जितना तंग होना चाहिए उतना तंग हो सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने आपको आर्टिकल 19 दिया है, जैसा आप उचित समझे आप वैसा करते जाइए। लेकिन एक टीचर होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि अपनी स्वतंत्रता का जो इस्तेमाल है गलत तरीके से मत कीजिए। आप स्टूडेंट हो, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, उचित नहीं होती है ये बातें। कुछ बच्चे रूल पढ़ने की नसीहत देते रहते हैं। देखिए आपको जो बताया जाता है वो रूल पढ़ के ही बताया जाता है, ये अलग बात है कि आप लोग ध्यान नहीं देते। खैर जो भी हो एंजॉय करो, छोटी दीपावली है आज, आप सबको बधाई। बड़ी दीपावली की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब मैं बात करना चाहूंगा एक कंटेंट के बारे में। याद कीजिए ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको कोप के बारे में बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये एक सम्मेलन होता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं, उनसे संबंधित एक छोटी सी न्यूज आज पेपर में आई है। आप न्यूज पेपर में देखें और काम काम की बातें या उसमें नोट कर लें। मैं जब 8 नवंबर को अपनी क्लासें लगेगी तब इसी टॉपिक को मैं लेके चलूंगा। उसमें एक शब्द आया नेट जीरो, उस पर गौर करें। एक वर्ष 2070 इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अन्य देशों के लिए 2050 है। एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया है। आप ये 2-3 बातें मैंने बताई है इस पर थोड़ा सा गौर करें, यहां से आपके क्वेश्चन उठ कर आएगा। इसे हम स्मार्ट तैयारी कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, व्यवस्थित करके आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं यहां सूरतगढ़ आया हुआ हूं और अभी मेरे पास सिवाय डायरेक्ट आपसे बात करने के कोई मेरे पास माध्यम नहीं है। बोर्ड होता तो आपको चैप्टर ही करवा देता पूरा। तो दोस्तों रीट में जो भी विद्यार्थी असफल हुए हैं, जिनका नंबर नहीं आया है, उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निराश नहीं होना। अपने मानसिक संतुलन मेंटल बैलेंस को बनाकर रखें और अपनी तैयारी को जिस तरीके से आप करते जा रहे थे उसी तरीके से लगातार करते जाएं। 60,000 वैकेंसी आने वाली है, कहीं ना कहीं आप अपना परचम जरूर लहरा दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मजबूती के साथ डटे रहें, यही कामयाबी का मूल मंत्र होता है। निराश नहीं होना, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।